उत्तराखंड की धामी सरकार इस वक्त पूरे प्रदेश में आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इस अभियान में सरकार की एक मुख्य योजना अधिक से अधिक व्यक्तियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की है और इस कड़ी में अब मतदाता पहचान पत्र से भी आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारियां चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अब लगभग 30 लाख व्यक्तियों को इस योजना से जोड़ने का है। अभी केवल उन्हीं व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं जिसके पास राशन कार्ड है, लेकिन अब राशन कार्ड भी ऑनलाइन होना चाहिए। इस योजना में प्रत्येक परिवार के प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जाती है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक तकरीबन 53 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और इस खबर पर देहरादून से हमारे संवाददाता अवनीश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड की जो रूपरेखा सरकार ने तैयार करके रखी है, इस अभियान को कैसे अमली जमा पहनाया जा रहा है? देखिए मनीष, यहाँ पे अगर बात करें कि अभी बात करें जिस तरीके से अभी यहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड जो है अभी काफी लोगों के नहीं बन पाए थे, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी प्रायोरिटी थी वो सबसे पहले ये था कि राशन कार्ड होना कंपलसरी है। इसको लेके अब सरकार जो है धरातल पे एक नई योजना लागू करने जा रही है कि आप जो वोटर आईडी से है वो उसके जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना दिया जाएंगे। और जो लक्ष्य है वो लगभग 90 लाख का था यहाँ पर, और जिसमें अभी जो है केवल 56 लाख जो है लोगों के आयुष्मान कार्ड बने थे, और हर घर पे जो है आयुष्मान कार्ड देने की यहाँ पे जो है पूरी तरीके से सरकार कवायद कर रही है। उसी के चलते अब जो है यहाँ पर एक नए 30 लाख लोगों के जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाने यहाँ पे जो है जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है, उसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पास हो चुका है, और अब जो है वोटर आईडी से यहाँ पर जो है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड को बना दिए जाएंगे। जी जी बिल्कुल, लेकिन सरकार इसको जोरों शोरों से अभियान चला तो रही है, लेकिन नागरिकों को कैसे इसकी सुविधा मिलेगी और क्या क्या लाभ इसको इससे मिलने वाले हैं? देखिए मनीष, यहाँ पे अगर बात करें आयुष्मान कार्ड एक यहाँ पर जो है अगर बात करें सभी तबकों के लिए एक बहुत ये वरदान साबित हुआ है, और यहाँ पे अगर जो इलाज की बात करें प्रत्येक जो है आयुष्मान कार्ड धारक को 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक की जो सुविधा है पूरी की पूरी वो मिल रही है, और काफी लोग जो है इससे लाभान्वित हुए। और आयुष्मान कार्ड के लिए लोग जो है पहले जैसे भटकते थे क्योंकि राशन कार्ड नहीं होता था, परंतु अब जिस तरीके से अगर सरकार ये अमली जमा पहरा देगी तो ये कहीं ना कहीं जो है होगा। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश में आयुष्मान भव योजना भी की अभियान भी चला रही है और उसमें तकरीबन 53 लाख व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा चुके हैं।